हेलो, सत श्रीकाल, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रेविंग पॉइंट पे। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी। आज बनाएंगे हम सूजी का हलवा, और उसके लिए हम सबसे पहले पैन में एक घी गर्म कर लेंगे और उसके बाद आगे की रेसिपी शुरू करेंगे। पहले उसको अच्छे से गर्म कर लेना है घी को। अब हमारा घी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी और इसको अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ा सा ना लाइट लाइट ब्राउन कर लेंगे ताकि जो ज़्यादा बाइट भी ना रहे। और इसको ना हिलाते ही रहना है, क्योंकि ना अगर हम नहीं हिलाएंगे तो इसमें ना गांठे पड़ जाएंगी। सो इसको हिलाते रहना है। और हम इसमें ना पानी भी ना थोड़ा वॉर्म वाटर यूज़ करेंगे। सो एक तरफ हम पानी रख सकते हैं, मैंने पानी रखा हुआ है गर्म एक तरफ। अब जो ना लाइट ब्राउन हो गया है, और हमें इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश ना हमेशा पहले ही डालनी चाहिए, क्योंकि इससे ना जब फूल जाती हैं और अच्छा सा टेस्टी नहास होता है। सो हम इन्हें पहले डाल लेंगे और थोड़ा और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि हम एक कटोरी डालेंगे। जितनी हमने हमारी सूजी डाली थी उतनी हम चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब तक जो डिसॉल्व होएगी तो इसे अच्छे से नहास हो जाएगी इसके बीच में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वाटर। मैंने पहले कहा था कि हम वॉर्म वाटर डालेंगे इसमें, तो हमने ये पानी डाल दिया है। और ये अच्छे से थोड़ा सा उबलेगा और तो ये अच्छी बनेगी, और इसके बाद जो थोड़ी सी थिक हो जाएगी।
और अब हमें इसमें थोड़ा सा ठंडे पानी का छिट्टा देंगे, इससे ना ये बहुत अच्छी बन जाती है। ये चीज़ ना कोई कोई बताता है, क्योंकि कोई कोई ये ट्रिक यूज़ करता है, इससे ना इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है और ये अब सर्व करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, हम इसे गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़